सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरी एक वीडियो पे काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। और इसकी अगर मैं एनालिटिक आप सभी को दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका मैक्सिमम जो ट्रैफिक आया है वो यूट्यूब सर्च में आया है। जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे मैं अपनी वीडियोज़ को रैंक कराता हूँ और कैसी मेरी वीडियो सर्च रिजल्ट में आती है, इसके बारे में मैं भी इस वीडियो में बताऊँगा। और ऐसी एक ही नहीं, मैं ऐसी कई सारी वीडियो का एनालिटिक आप सभी को दिखा सकता हूँ जो मैक्सिमम ट्रैफिक मैंने यूट्यूब सर्च से लिया है और काफ़ी अच्छे व्यूज़ एंड एंगेजमेंट मुझे इन वीडियोस में मिले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई मैं वो राइट बंदा हूँ जो आपको बता सकता है कि एक्चुअल में व्यूज़ आपको कैसे बढ़ाने हैं। अगर आपके भी 8-10 व्यूज़ आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। अब हम लगाने वाले हैं यूट्यूब में आग और मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमेशा लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग यहाँ पर काफ़ी सारी मिस्टेक करते हैं वीडियो अपलोडिंग के टाइम पे। तो मैं आपको एक राइट वे बता देना चाहता हूँ वीडियो अपलोडिंग का, ताकि आप गलती ना करो और आपकी वीडियो हर जगह जाए। तो सबसे पहले जब भी आप YouTube वीडियो अपलोड करने जाओ, यहाँ पर प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, देन अपलोड अ वीडियो वाले बटन में आप लोग क्लिक कर देना। देन इसके बाद आपको जो भी वीडियो है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, देन नेक्स्ट में क्लिक करके आपको क्या करना है, हमेशा अपनी वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करना है। अनलिस्टेड में क्यों, आप लोग क्या करते हो डायरेक्ट वीडियो को पब्लिक कर देते हो और ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आप जैसे अपने वीडियो को अनलिस्टेड में अपलोड करोगे, उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपकी वीडियो कोई एज रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। आपको पता है कि आप हम लोग किड्स के लिए कंटेंट नहीं बनाते। देन अपलोड अ वीडियो में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वीडियो सिंपली अपलोड होने लगी है, मैं इसे अपलोड होने देता हूँ। और अब हमको यहाँ से सारा गेम करना है, वो हम कहाँ से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको जाना अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। YT स्टूडियो में जाने के बाद आपकी जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके की शो हो रही होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारी ये वीडियो है यहाँ पर शो होने लगी है और ये वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से हमको इसके सारे काम करने हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कहाँ से आपको टैग फाइंड करने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है। राइट डिस्क्रिप्शन लिखोगे, राइट टैग डालोगे, तभी आपकी वीडियो रैंक करेगी, तभी आपके व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कर देना है सिंपली अपना जो थंबनेल है अपलोड कर देना है। जैसे कि मैं नॉर्मली अपना जो भी मैंने थंबनेल बना रखा था वो अपलोड कर देता हूँ, जो कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ अपना टाइटल सेलेक्ट। टाइटल सर्च के टाइम आपको यार कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, अपने को जाना है यूट्यूब में और यूट्यूब में जाने के बाद सर्च करना है, जैसे कि ये मेरी जो टॉपिक है वो है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ठीक है। आपको यहाँ पर जाके सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है व्यूज़ कैसे बढ़ाएं और वहाँ पर देखना है कि भाई कौन कौन सी वीडियो हमारी रैंक कर रही है, कौन कौन से कीवर्ड निकल के आ रहे हैं सामने, वो मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो निकल के आ गए हैं। देन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो भी टॉप वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं इस कीवर्ड पर, वो हमको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हमको इनसे सिमिलर मिलते जुलते थोड़े बहुत टाइटल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी YouTube के एल्गोरिथम में ये टाइटल सेट हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको सजेस्टेड भी मिल जाती है, जैसे कि आप लोग कोई भी एक वीडियो देख रहे होंगे, जैसे इस वीडियो के नीचे भी कोई वीडियो सजेस्ट हो रही होगी तो उसमें भी आपको सिमिलर टाइटल या फिर कुछ भी सिमिलर डिटेल देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, टाइटल सेलेक्ट करना है। नॉर्मली यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने करा कॉपी और इस कीबोर्ड में जो भी आ रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ हाउ टू गेट मोर व्यूज़, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हो गया हमारा टाइटल डन। टाइटल को करते हैं कॉपी, देन कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ से हमारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती हैं। मेन काम आता है हमारा टैग का, क्योंकि टैग डालोगे, टैग ठीक से डालोगे तभी तुम्हारी वीडियो रैंक करेगी, जो भी सामने वाला कीवर्ड सर्च करेगा तब जाके आपकी वीडियो रैंक करेगी। टैग फाइंड करने के लिए हमको करना क्या है, नॉर्मली हमको अपना जो टाइटल है उसका एक कीवर्ड कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यार देखो वीडियो को कंप्लीट देखो, कंप्लीट नहीं देखते हो आप कोई भी चीज़ें तभी आपको समझ में नहीं आ पाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। देन आपने को जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको एक वेबसाइट टाइप करना है रैपिड टैग। रैपिड टैग आप जैसे ही सर्च करोगे उसके बाद आपको एक वेबसाइट निकल के आ जाएगी। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना जो भी अपन ने कीवर्ड टाइप किए थे उसको कर देना है पेस्ट। अब जैसे ही पेस्ट कर दोगे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमने को जो सिमिलर कीवर्ड है वो हमारे सामने निकल के आएंगे। सारे कीवर्ड को करो कॉपी। कॉपी करने के बाद जाओ कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डालो। यहाँ पर क्या करना है अपने को ना, अब
हमको देखना है कि भाई कौन से कीवर्ड का कौन सा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। थोड़ा सा आपको यार ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग कर रहे हैं टैग पे वर्क। अगर हम लोग टैग पे सही से वर्क कर लेते हो तो हमारी वीडियो रैंक होने से कोई नहीं रोकता। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूँ आपको कि आपकी वीडियो रैंक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर जो हमको दिख रहे हैं ना, अब हमको देखने के नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमको बडी के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर अपने को जाना है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर हमको चले जाना है, इसका एक एक्सप्लोर वाला सेक्शन है जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है। जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 डॉट में आओगे ऐसे ही आप। इसके बाद यहाँ पर अपने को टैग एक्सप्लोरर वाले पेज में जाना है। देन इसके बाद यहाँ पर अपने को अपना जो भी टैग था वो कॉपी कर देना है। जैसे आप इसको कॉपी करोगे आपके सामने जो भी टैग है उसकी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। अब यहाँ पर आपको इसका सर्च वॉल्यूम कॉम्पिटिशन एंड ओवरऑल देखने को मिल रहा होगा। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से अपने जो भी कंपटीशन के कीवर्ड है जो भी या फिर टैग है जिसमें लो कंपटीशन है देन हाई सर्च वॉल्यूम है, आप इस टाइप के अपने कीवर्ड सेलेक्ट करिएगा। देन सिंपली अपने यहाँ पर कॉपी टैग में क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड में अपने को कॉपी कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद अपने को जाना है टैग वाली सेक्शन में। देन टैग वाली सेक्शन पर जाने के बाद अपने को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ऐसे कर करके अपने को जो भी मैक्सिमम लिमिट है 300-400 वर्ड के अंदर अपने को टैग डाल देने हैं। मैक्सिमम आप 500 वर्ड तक डाल सकते हो। और मैं आप सभी को बता दूं यार, ये सारी चीज़ आपको डन होने के बाद सबसे पहले मैं आपको क्या बताने देना चाहता हूँ कि थंबनेल अपने को अच्छे से बनाना है। थंबनेल बनाने के साथ साथ टाइटल लिखना है, टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको क्या लिखना है, टैग डालने हैं अपने वीडियोज़ में। टैग डालने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट डन होने के बाद लगभग 10-20 मिनट अपने वीडियो को वैसे ही छोड़ देना है। देन जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लेता है, समझ लेता है, देन अपने को यहाँ पर सिंपली आगे अपने वीडियो को पब्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ट्राई करो, अवॉइड करना ये सारी मिस्टेक। काफ़ी सारे लोग कर देते हैं भाई, किसी भी तरीके से जस्ते से अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं, पर प्रॉब्लम ये आती है कि ना उनका CTR हाई जाता है, ना ही क्लिक्स आते हैं, ना ही इंप्रेशन जाते हैं। यही सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसके कारण आपके व्यूज़ नहीं जाते। तो ये सारी चीज़ें ट्राई करना, और भी मैं डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे लेके आऊँगा। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग थोड़ा सा यार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करना ताकि आगे और लोगों को पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें, और भी मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को रेड वाले बटन को आगे सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को और भी सेलेक्ट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।